नेपाल देश के काली गंडकी नदी के तट से शालिग्राम पत्थर आएंगे, जिसे नेपाल देश के संत अयोध्या को उपहार स्वरूप दे रहे हैं। इस बारे में जानकारी राम मंदिर निर्माण समिति की दो दिन बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। निर्माण समिति की बैठक इस बार रामलला की मूर्ति के स्वरूप कितनी दूरी से दर्शन करने पर भक्त भाव विभोर हो सकते हैं और मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी, इसी पर केंद्रित रही। बैठक में रामलला की मूर्ति के स्वरूप से संबंधित सभी आवरण, जैसे आंखों की कोमलता, देवत्व और बाल सुलभता, होठों के मुस्कान, गाल और मस्तक के साथ साथ नाभि के ऊपर और नाभि से नीचे की संपूर्ण रचना पर गंभीर चिंतन किया गया। इसी के साथ ही इस आशय पर भी विचार किया गया कि मूर्ति किसी भी दशा में पुत्र अर्थात बाल रूप में प्रतीत हो। वहीं बैठक की विशेषता यह रही कि दो दिनों में निर्माण समिति की बैठक तीन अलग अलग चरणों में अलग अलग स्थानों पर हुई, जबकि राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में सदस्यों और श्री राम जन्मभूमि परिसर में तकनीकी एक्सपर्ट्स की दोपहर बाद एक साथ बैठक की गई, जिसमें निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, जगतगुरु वासुदेवानंद सरस्वती, राजा विमलेन्द्र मोहन प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी प्रमुख रूप से शामिल हुए। काली गंडकी ये नेपाल में है, दामोदर कुंड से चलती है, पोखरा से भी 85 किलोमीटर ऊंचाई से नदी के तट से लाया गया है। नेपाल के संतों ने कहा हम अयोध्या को सौगात में देना चाहते हैं। कभी जनकपुर ने जानकी जी दी, अब जानकी जी के दहेज के रूप में ये सौगात देंगे। जनकपुर के जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास जी महाराज ने नेपाल सरकार को निवेदन किया, नेपाल सरकार ने स्वीकार कर ली। सरकार ने पत्थर उठाया और राम तपेश्वर दास जी को भेज दिया। कल 28 तारीख की शाम को वहाँ उनके हाथ आश्रम पर पहुँच गया। अब राम तपेश्वर दास जी उसे अयोध्या के संतों को भेंट कर देंगे। पत्थर तो मैंने देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा उत्तर प्रदेश में। जब आएगा तब मूर्ति रचना करने वालों को दिखाया जाएगा। जब वो सब देख लेंगे तब आगे बात बढ़ेगी। लेकिन भारत में कहाँ कहाँ इस प्रकार के पत्थर उपलब्ध हैं वो सब भी मंगाए जा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पत्थर को एक बार ले आए उसमें मूर्ति बन ही जाएगी। वो तो जब उस पर टांकी लगेगी तब मूर्तिकार बताएगा इसमें बन सकता है कि नहीं बन सकता। उड़ीसा से, कर्नाटक से और जो मध्य प्रदेश में भी बताया कि वहाँ भी बहुत बढ़िया पत्थर होता है। हमारे हाथ में कुछ आ जाएगा, टांकी मारने वाला बताएगा कि हाँ बन सकती है, चार लोग कहेंगे कलर अच्छा है, इसकी तुलना में ये अच्छा है, इसकी तुलना में ये अच्छा है, तो बन जाए। कहीं भी गफलत में मत रहिए, किसी का व्यक्तिगत काम नहीं हो रहा है, ये सोसाइटी है, ये समाज है। और एक बार पंचों का निर्णय हो जाएगा तो उसके बाद हम 135 करोड़ की आलोचनाओं को ऐसे ही पी जाएंगे जैसे आचमन कर लेते हैं। नेपाल की जनता भारत की जनता से अलग नहीं है, वी आर वन। गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा का स्वरूप क्या हो, अनेक लोगों ने चित्र बनाकर भेजे, सब कंप्यूटर पर तुलनात्मक अध्ययन किया, आंखें किसकी अच्छी हैं, जिसमें कोमलता है, देवत्व है, बाल सुलभ है, होठ की मुस्कान किसकी अच्छी है, पांच वर्षीय बालक का पोस्चर कैसा है, नाभि से ऊपर का हिस्सा और नाभि से नीचे का हिस्से का तुलनात्मक अध्ययन करो, उसका प्रपोर्शन कैसा है। पैरों में खड़ाऊ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कंधे पर धनुष, हाथ में तीर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो पुत्र के रूप में पूजा होगी और बालक की होगी।
प्रतिमा की ऊंचाई क्या हो, तो विचार आया कि दरवाजे की ऊंचाई क्या है, तो दरवाजे की ऊंचाई 9 फीट 1 इंच है, तो प्रतिमा उस 9 फीट 1 इंच के अंदर अंदर दिखनी चाहिए। प्रतिमा कितनी दूर से देखी जाएगी, तो कम से कम 35 फीट दूर से देखने पर कितनी ऊंची प्रतिमा का आंख और चरण सब एक दृष्टि में आ जाएगा। अब ये बातें सब ड्राइंग पर लगाकर देखने की हैं, लेकिन ये चर्चाएं हुई, ये चर्चा का सत्र था। इतने लोगों ने केवल मूर्ति पर यहाँ विचार किया।